क्या आपने अल्जाइमर की बीमारी के बारे में सुना है? हमारे देश में लाखों लोग और दुनिया भर में करोड़ों लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इस बीमारी से पीड़ित मरीज धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ मरीज के लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। हैदराबाद के एक छात्र हिमेश की दादी भी इसी बीमारी से परेशान थी। हिमेश से उनकी ये मुश्किल देखी नहीं गई और उसने अपनी दादी की मुश्किलों को कम करने का एक नायाब रास्ता खोज निकाला। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण इंसान अपनी छोटी से छोटी चीज भी भूलने लगता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए उसके साथ किसी आदमी का होना जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी और गहरी होती चली जाती है। फिलहाल इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। हिमेश की दादी भी अल्जाइमर की बीमारी से ग्रसित है, जिसके कारण हिमेश को ये नवाचार बनाने का विचार आया। Basically like my grandmother, मेरी दादी अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी में लोग अपनी याद रखने की क्षमता को खोने रखते हैं और उनका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। जैसे कि मेरी दादी अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाती हैं। वह आमतौर पर रात में उठती हैं और चलना शुरू कर देती हैं। मैं बस एक ऐसा उपकरण बनाना चाहता था जो कि रोगी की देखभाल करने वाले व्यक्ति या परिवार के सदस्य को सचेत कर सके। इस उपकरण का उपयोग करके वे रोगी को बाहर जाने और उनको राह खोने से बचा सकते हैं। हिमेश का ये नवाचार एक तरह का कलाई पर बांधने वाला उपकरण है, जिसको अल्जाइमर पेशेंट के हाथ पर बांधा जा सकता है। इस नवाचार का नाम स्मार्ट रिस्ट बैंड फॉर अल्जाइमर पेशेंट रखा गया है। ये एक तरह का प्रोटोटाइप है जिसको पॉकेट बैग में फिट किया गया है। इसमें पीसीबी बोर्ड को लगाया गया है, जिसमें विभिन्न सेंसरों को अटैच किया गया है, जिसमें जायरोस्कोप सेंसर को बॉडी मूवमेंट के लिए लगाया गया है। वहीं दूसरे सेंसरों की मदद से टेम्परेचर और बॉडी कंडीशन का पता लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर इससे रोगी की मूवमेंट का पता चलता है। इसके अलावा हिमेश ने मशीन के लिए एक ऐप भी डेवलप किया है, जिसे पेशेंट की देखभाल करने वाले व्यक्ति के मोबाइल में डाउनलोड करके रोगी से कनेक्ट किया जा सकता है। इससे पेशेंट की मूवमेंट का पता लगाया जा सकता है। हिमेश ने अपना ये नवाचार अल्जाइमर एंड रिलेट डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया की फाउंडर बाला त्रिपुर सुंदरी को दिखाया। उनको ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि एक बच्चे ने अल्जाइमर की समस्या को इतनी गंभीरता से समझा और एक उपयोगी नवाचार बनाया। हिमेश ने अपना ये नवाचार वहां मौजूद पेशेंट और उनके परिवार को दिखाया और उसके उपयोग के बारे में बताया। उन्हें भी रिस्ट बैंड को देखकर काफी खुशी हुई। यदि आपने उपकरणों को देखा है या आपने इसका उपयोग किया है, तो आप जानते होंगे कि मरीजों के लिए यह कितना उपयोगी है। हमारी रिसर्च के दौरान की गई यात्राओं से पता चला है कि जब भी रोगी बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, तो उसके गिरने की संभावना ज्यादा होती है। इस नवाचार से इस तरह की सभी स्थितियों को रोका जा सकता है, क्योंकि अलार्म आपको और मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति के पास जाता है। इसलिए इस तरह का उपकरण आपके पास या रोगी के पास होना महत्वपूर्ण है। इस नवाचार के लिए हिमेश को बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिकों को नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों, समाज सेवा, कला और संस्कृति, बहादुरी या खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। हिमेश को ये सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया, जिनसे बात करने और सम्मानित होने पर
हिमेश का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है और उनके परिवार को काफी खुशी हुई। हिमेश वेरी हार्ड वर्क बॉय, बहुत हार्ड वर्क करता है। सो ऐसे ये साइंटिस्ट बनना चाहता है, पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इनको। ऐसे करते करते ये स्मार्टेस्ट बैंड किया है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड आने के लिए बहुत खुशी है हम। सबसे सराहनीय तो ये है कि एक स्कूल में हमारे बच्चे हैं जो इसे मेजर इश्यूज़ को समझते हैं, इसके लिए बहुत कंपैशन की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से उसने ये रिस्ट बैंड डेवलप किया है, उसमें जिस तरीके के सेंसर्स का उसने प्रयोग किया है, जायरोस्कोप सेंसर्स हैं जो कि मूवमेंट्स को डिटेक्ट करेगा अल्जाइमर पेशेंट्स के। सो बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि अल्जाइमर पेशेंट्स कई बार आप जितना मर्ज़ी ट्रीटमेंट दीजिए, मेमोरी लॉस की वजह से उनको रोक पाना या वो कहीं चले जाते हैं, बहुत से लोग आई थिंक गुम भी हो जाते हैं, तो उससे बहुत मदद मिलेगी ऐसे पेशेंट्स को। और जो उसने सेंसर्स यूज़ किए हैं लाइक बीपी उनका मॉनिटर हो रहा है, तो एक हेल्थ अपडेट कॉन्स्टेंटली चल रहा है, साथ ही में उनकी मूवमेंट को लोकेट करने के लिए भी जो इसने सेंसर्स लगाए हैं, मेरे हिसाब से कि बहुत ही बढ़िया काम किया है। इट इज़ रियली अ वेरी ब्रिलियंट एफर्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है मुझे बहुत ही पसंद आया है। सो आई रियली अप्रिशिएट नॉट जस्ट द एफर्ट बट ऑल्सो द फैक्ट कि उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उस चीज़ को पूरा कंसेप्चुलाइज किया, डिज़ाइन किया। स्मार्ट रिस्ट बैंड फॉर अल्जाइमर पेशेंट एक नया और आधुनिक नवाचार है जो आने वाले समय में अल्जाइमर पेशेंट की काफी मदद करेगा। इतना ही नहीं, ये पेशेंट का ध्यान रखने वाले व्यक्ति के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा। इसके ऐप की मदद से डॉक्टर भी अब अपने पेशेंट की खबर रख सकते हैं। हिमेश ने ये रिस्ट बैंड बनाया तो था अपनी दादी की परेशानी हल करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये रिस्ट बैंड उनकी दादी जैसे तमाम लोगों के लिए भी एक वरदान साबित होगा। साथ ही हिमेश को विज्ञान जगत में एक नई पहचान भी दिलाएगा। विज्ञान वीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।